हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम टोपोलॉजी लेक्चर्स फिर से स्टार्ट कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे प्रोसीड्यो मैट्रिक स्पेस क्या होती है। ठीक है, इससे पहले मैंने मैट्रिक स्पेस के बारे में बता रखा है, उस पर क्वेश्चन करा रखे हैं और भी बहुत चीज़ें करा रखी हैं टोपोलॉजी के लेक्चर्स, जिनकी मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में और मैं अलग से प्ले लिस्ट भी बना दूँगा। और आज के बाद आपको डेली टोपोलॉजी के लेक्चर्स आपको डेली मिलेंगे 2 से 3। ठीक है, तो आपको हमसे जुड़े रहना है। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर रहना है, क्योंकि मैं जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो देखिए, बात करते हैं प्रोसीड्यो मैट्रिक की। अगर आपको मैट्रिक स्पेस की चारों प्रॉपर्टी आती है, मैट्रिक स्पेस किसे कहते हैं, तो ये जो टॉपिक है आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अगर नहीं आती है, क्योंकि आगे भी हम थ्योरम करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो मैट्रिक स्पेस चैप्टर हम कर रहे हैं तो मैट्रिक स्पेस की डेफिनेशन तो कम से कम आपको आनी ही चाहिए। नहीं आती तो लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके ज़रूर देख लेना। तो प्रोसीड्यो मैट्रिक क्या होती है, कहते हैं अ मैपिंग डी ऑफ एक्स क्रॉस एक्स। देखो ये जो मैं मुझे ये एक्स छोटा करके लिखना पड़ा, क्योंकि मैं ऐसे अगर करके लिखता तो आपको तीनों सेम दिखते हैं, तो ये एक्चुअली बड़ा वाला एक्स है और ये भी बड़ा वाला एक्स है और इस इनटू का मतलब क्रॉस प्रोडक्ट है और ये जो एक्स है वो सेट है। ठीक है, कोई पर्टिकुलर मेंबर नहीं है, सेट का मेंबर नहीं है, ये एक्चुअल में ये सेट है एक्स और ये एक्स इनटू आर। जो आपकी मैपिंग है डी एक्स क्रॉस एक्स से किस में जा रही है, आर में जा रही है, इस कॉल्ड अ प्रोसीड्यो मैट्रिक। इसे हम प्रोसीड्यो मैट्रिक स्पेस तभी भी बोल पाएंगे, या फिर इसे हम सेमी मैट्रिक भी हम बोलते हैं, इसका दूसरा नाम सेमी मैट्रिक भी है। तो या तो इसे प्रोसीड्यो मैट्रिक या फिर सेमी मैट्रिक हम तभी बोल पाएंगे एक्स के लिए, इफ एंड ओनली इफ डी सेटिस्फाइड द ऑक्सियम। देखो, जो हमारी मैट्रिक स्पेस होती है उसकी तीन प्रॉपर्टी को तो ये होल्ड करता ही करता है। ठीक है, अभी आपको इम्पोर्टेंट नोट भी बताऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जो तीन प्रॉपर्टी क्या है, जो M1 है, M का मतलब मैट्रिक स्पेस की पहली प्रॉपर्टी को, तीसरी प्रॉपर्टी और फोर्थ प्रॉपर्टी को ये डायरेक्ट होल्ड करेगा। बात आती है सेकेंड प्रॉपर्टी की, तो वो क्या चीज़ होती है वो हम आपको दिखाएंगे अभी। तो देखो, डी एक्स वाई जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल जीरो होना चाहिए। डी का मतलब क्या होता है, इस एक्स वाई का डिफरेंस। फॉर एवरी एक्स और वाई कहाँ से आ रहे हो, सेट एक्स से आ रहा होगा। M3 प्रॉपर्टी को भी होल्ड करेगा कि डी एक्स वाई किसके इक्वल होता है, डी वाई एक्स के। फॉर एवरी एक्स वाई जो आते हैं वो किससे कहाँ से आते हैं, सेट एक्स से। ठीक, और M4 प्रॉपर्टी क्या होती है कि डी एक्स वाई जो होता है वो छोटा या फिर इक्वल होगा डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। फॉर एवरी एक्स वाई जेड जो आते हैं वो एक्स से आते हैं। तो ये मैट्रिक्स पे उसकी ये फर्स्ट प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी एंड फोर्थ प्रॉपर्टी को तो होल्ड करेगा आराम से। जो सेकंड प्रॉपर्टी है, देखो यहाँ मैंने M2 लिखा है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी में क्या करेगा, वहाँ क्या होता था कि डी एक्स वाई इक्वल टू जीरो होता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करेगा, जो मैट्रिक्स पे उसकी प्रॉपर्टी होगी ना, यहाँ वाई के प्लस पे भी आपको एक्स ही रखना है, तो डी एक्स एक्स इक्वल टू जीरो देगा। और ये जो एक्स आएंगे ये आपके कैपिटल एक्स नहीं है, ये स्मॉल एक्स है, ये सेट के मेंबर हैं और ये जो एक्स आएगा वो सेट से आएगा। क्लियर है? तो देखो यहाँ पर डैश की बात हुई है, मैंने जो दूसरी प्रॉपर्टी रखी वो डैश में रखी है। और जो नॉर्मल मैट्रिक्स पे प्रॉपर्टी होता है ना, तो वो दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि डी यहाँ पर वाई होता था, तो यहाँ पर बस वाई के प्लस पर एक्स रख दिया है और सारी प्रॉपर्टी सेम है मैट्रिक स्पेस की, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो अगर ये सारी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है तो उसे हम प्रोसीड्यो मैट्रिक स्पेस बोलते हैं। अब आपको एक खास चीज़ बताता हूँ नोट करके। देखो हमारे पास ये ज़रूरी नहीं है कि एक्स एक्स या अगर डी एक्स वाई इक्वल टू जीरो देता है हमारा, तो जीरो डिफरेंस ऑफ टू पॉइंट्स गिव अस जीरो। इट मीन्स वो तभी हो पाएगा जब एक्स और वाई आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, तभी माइनस होके तो जीरो देगा ना। जब सेम होंगे, माइनस करोगे तभी जीरो देगा। ठीक, तो इससे इम्पॉर्टेंट एक नोट हमें ये मिल रहा है कि ये तो मैट्रिक स्पेस की सेकंड प्रॉपर्टी थी और यहाँ पर अगर दोनों इक्वल और जीरो दे रहे हैं वो तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो इससे मुझे को ये पता लग रहा है कि अगर कोई मैट्रिक स्पेस है चारों प्रॉपर्टीज होल्ड कर रहा है तो वो प्रोसीड्यो मैट्रिक स्पेस भी हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस। बट वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है, थस फॉर अ प्रोसीड्यो मैट्रिक एक्स इक्वल टू वाई,
तो डिफरेंस होगा एक्स और वाई का, वो हमें क्या देगा, जीरो देगा, बट नॉट कन्वर्सली। इससे हमारा एक नोट ये बनता है, एग्जाम में पूछ सकता है एग्जामिनर, क्या बनेगा नोट, कि एवरी मैट्रिक इज अ पसीडो मैट्रिक बट अ पसीडो मैट्रिक इज नॉट नेसेसरली अ मैट्रिक। नेसेसिटी का मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो ये नोट इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो आई होप आज मैं आपको जो पसीडो मैट्रिक की डेफिनेशन है वो समझा पाया हूँ। आने वाले वीडियोस में हम इसके प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, थ्योरम डिस्कस करेंगे। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करें, और जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।